कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में मंत्री पद तो छोड़ दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि अब सियासत में उनका अगला कदम क्या होगा। क्या वो महज एक विधायक बनकर ही रहेंगे या फिर नई पारी शुरू करेंगे। इन सवालों के बीच सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार और गर्मा गया है, जिसमें सिद्धू के नई पारी की शुरुआत करने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसे हवा दी है शिरोमणि अकाली दल टकसाली ने। बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू को लगा था कि अब पंजाब की सियासत में वो कैप्टन की भूमिका अदा करेंगे, कांग्रेस उन्हें सीएम या डिप्टी सीएम बनाएगी, लेकिन सिद्धू को ऐसा कोई पद नहीं मिला। उल्टा कैप्टन से दुश्मनी लेने की वजह से उन्हें अपना पद भी गंवाना पड़ा। तब से सिद्धू महज कांग्रेस नेता बनकर रह गए हैं, जबकि उनके मन में पद की महत्वाकांक्षाएं जमकर उठ रही हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब वो नई सियासी पारी की शुरुआत करेंगे। सिद्धू को लेकर कयासबाजी का ये दौर शिरोमणि अकाली दल टकसाली से ऑफर मिलने के बाद शुरू हुआ है। शिरोमणि अकाली दल टकसाली ने अकालियों के धुर विरोधी नवजोत सिंह सिद्धू से अपनी पार्टी का नेतृत्व करने की अपील की है। शिरोमणि अकाली दल टकसाली ने कहा कि सिद्धू हमारा नेतृत्व करें, हम उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएंगे। शिहद टकसाली के नेता रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा के बाद अब पूर्व मंत्री और महासचिव सेवा सिख सेखवा ने कहा कि सिख संस्थाओं को बादलों से आजाद करवाना हमारा मुख्य मकसद है। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नेता को पार्टी में लाने और उनकी अगुवाई से हमें खुशी होगी। अब सिद्धू इस ऑफर पर क्या फैसला लेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस पेशकश के बाद पंजाब की पॉलिटिक्स जरूर गर्मा गई है। इस पर चुटकी लेते हुए सुखबीर सिंह बादल की पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने कहा कि टकसालियों को अपना नाम ठोको ताली दल रख लेना चाहिए। अब सिद्धू की सियासी पारी को लेकर सूबे में पारा चरम पर पहुंच चुका है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई सिद्धू पद की चाह में हाथ का साथ छोड़ टकसालियों का दामन थामेंगे या फिर कांग्रेस में ही नई राह तलाशने की कोशिश करेंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।